what you gonna do with that dessert? हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। और सही बोली तो लेट हो गया मैं, मुझे भी मालूम है। पूरा 3 महीना गुजर गया और मैं नहीं आया वीडियो बनाया, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट था, मुझे बहुत कुछ था, एग्ज़ाम बीच में था बहुत कुछ, पकाऊंगा नहीं। आज जो टॉपिक है वो है रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो के बारे में। तो ये दो फ़ोन जो है कल लॉन्च हुआ था, एंड ये दो फ़ोन ने मतलब मार्केट में तो पूरा मतलब तबाही मचा दिया, हैशटैग तबाही। और ये फ़ोन मतलब क्या बोलूँ आपको, प्रोसेसर अच्छा दे दिया, बैटरी अच्छी दे दी, और यहाँ पे स्क्रीन बड़ी दे दी, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दे दिया। तो डिटेल में हम इसके जाएंगे, पहले हम बात करेंगे नोट 7 की। तो नोट 7 में हमें क्या क्या मिलता है, तो नोट 7 में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोसेसर मिलता है 660 का 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जो कि 512 GPU पे काम करता है। यहाँ पे ले लो 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है। भाई ले लो जितना पबजी वालों को दे रहे हैं। और मैंने अभी तक मैंने लाइव देखा ना Xiaomi का मैं लाइव देख रहा था कि इवेंट लॉन्च इवेंट, और वहाँ पे मैं नीचे कमेंट में जा रहा हूँ लाइव सेक्शन में, तो भाई पबजी मतलब कितने सारे हैं, कहाँ से उठ के आ रहे हैं। पबजी खेलने में मज़ा आने वाला है। 660 है, बैटरी है, यहाँ पे स्क्रीन बड़ा है, तो ये वाला ठीक लगा मुझे। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लास हमें 5 मिल जाता है यहाँ पे, और सिर्फ आगे नहीं, यानी कि स्क्रीन पे नहीं है सिर्फ गोरिल्ला ग्लास, इसके पीछे भी है। पीछे यानी कि है बैक पैनल में, यानी कि आप पीछे गिरा दो या आगे गिरा दो आपको नो टेंशन, क्योंकि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का मिलता है प्रोटेक्शन। अब आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे एंड्रॉयड 9P पे चलता है, अच्छी बात है, नया अपग्रेडेशन होने वाला है आगे जाके, अपडेट तो आएंगी। पहली बात तो आपको 9P पहले ही आपको मिल जाता है। भाई मैंने ASUS ZenFone Expo M1 खरीदा, इतने दिन से रुका हूँ, 9P अभी तक नहीं आ रहा है, कुछ करो यार। USB टाइप सी आपको मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है USB टाइप सी इतने कम प्राइस में, बहुत बड़ी बात है। और आपको Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि बैटरी तो उतरेगी नहीं, और अगर बैटरी उतर भी गई तो आपको जल्दी से चार्ज हो जाएगी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वही पुराना वाला किस्सा, हाइब्रिड सिम स्लॉट। अब जो मेन था जो नोट 7 का, मैं जानबूझकर लास्ट में बोल रहा हूँ, वो है कैमरा। मतलब कैमरा के पीछे सब लगे थे, मतलब 48 MP का कैमरा कैसे दे रहा है, लेकिन दुख और किस्मत की बात है कि नोट 7 में आपको कैमरा 48 नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कैमरा मिलेगा 12+2 MP का रियर कैमरा। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कितने एपर्चर का है। और फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो वहाँ पे 13 MP का फ्रंट कैमरा, आपको AI फंक्शन सब मिल जाएगा, डुअल सीन्स है, बहुत कुछ है वहाँ पे। अगर हम बात करें आगे नोट 7 प्रो की, तो नोट 7 प्रो में हमें आपको मिल जाता है नोट 7 में 48 MP का, डायरेक्टली आपको रिवील कर रहा हूँ, 48 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा। और जो आगे हम बात करेंगे रियर कैमरा, और आगे बात करें तो 13 MP का फ्रंट कैमरा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम बात कर लेना पूरे एपर्चर की, तो यहाँ पे आपको 48 MP का जो है 1.79 लेंस मिल जाता है, और 5 MP का जो सेकेंडरी सेंसर है वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ब्लर इफेक्ट, या फिर मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ बुके इफेक्ट, आप किसी से पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, रेडमी नोट 7 का प्रो का, नोट 7 प्रो का प्रोसेसर, तो यहाँ पे है स्नैपड्रैगन 675। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 675 है, जिस पे आपको 11 नैनोमीटर बेस पे मिलता है टेक्नोलॉजी, और जो है मतलब कि पबजी वालों के लिए जय हो, पबजी की जय। तो 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास फिर से दोहरा रहा हूँ, आगे पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास। अगर मैं बात करूँ इसके अपडेट की, यानी कि मतलब फ़ोन किस पे चल रहा है, रन किस पे चल रहा है, तो ये जो है एंड्रॉयड 9P पे चल रहा है डायरेक्टली, एंड USB टाइप सी यहाँ भी मिलता है, 4000 mAh बैटरी, सेम चीज़ क्विक चार्ज, यानी कि Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 हाइब्रिड सिम स्लॉट सेम है। अब हम प्राइस को बात करेंगे नोट 7 की, पहले हम प्राइस बात करते हैं, तो नोट 7 में 3GB रैम वाला है और 32GB रैम वाला रोम वाला वेरियंट है, तो ये जो है वो है 10,000, यानी कि 9999 का वैल्यू रखता है, यानी कि 10,000 रुपीज़ का। अगर हम बात करें इससे आगे नोट 7 की, और नोट 7 में इसके आगे अपग्रेड है वो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि है सिर्फ और सिर्फ जी हाँ 12,000 रुपये में, 11,999 इतने में है। बस आपको क्या चाहिए, अभी 660 का स्नैपड्रैगन, 4000 बैटरी, क्विक चार्ज, कैमरा अच्छा ही है, अच्छा खासा है, अच्छा ही नहीं बोलूँगा, बहुत लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, नोट 7 में 12+2 दे रहे हैं।
अगर हम बात करें नोट 7 प्रो की, तो वहाँ पर स्टोरेज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरेज जो स्टार्ट होता है वो है 14,000 यानी कि 13,999 पे। तो वो जो है 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। एंड सबसे बढ़िया मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि आपको मिलता है 6GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज। जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो है आपको सिर्फ 17,000 यानी कि 16,999 के बारे में। अगर हम बात करूँ भाई फ्रंट कैमरा दोनों में 13 मेगापिक्सल का है, तो अगर हम उसके बारे में डिटेल में जाए तो वहाँ पे आपको मिलता है AI पोर्ट्रेट मोड है, फीचर्स और बहुत सारे AI ब्यूटी है, 4.0 के फेस रिकॉग्नाइजेशन है, HDR सपोर्ट है, AI सीन डिटेक्शन है, रिकॉग्नाइज करता है कब तक 12 सीन्स तक। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम ऊपर की हम बात कर लेना, 186 ग्राम्स की वजन रखता है नोट 7 प्रो, और नोट 7 मालूम है बकवास कर रहा हूँ, नोट 7 185, लेकिन डिटेल सबको आपको दे रहा हूँ। और अगर हम बात करें नोट 7 दोनों में, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बता देता है। 4G वोल्टेज मिलता है, वाईफाई मिलता है, GPS है, ब्लूटूथ का वर्जन है 5 नोट 7 प्रो और नोट 7 में, और यहाँ पे USB टाइप सी जो कि मेरा फेवरेट बन चुका है, और 3.5mm हेडफोन जैक। अगर हम बात करूँ फेस अनलॉक की और फिंगरप्रिंट, तो बहुत ही फास्ट है फेस अनलॉक, आप रात में भी खुल सकते हैं, यानी कि कोई लाइट की ज़रूरत नहीं, खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्रेड आयर ब्लास्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो सपोर्ट ऐसा करता है कि आपको रात में भी खुल जाएगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब बात आती है दोनों फ़ोन में से कौन सी आपको खरीदना चाहिए, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। पहले तो बता दूँ आपको दोनों फ़ोन मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। अभी के लिए आप फ्लिपकार्ट पे अगर जाओगे तो आपको सिर्फ दिखेगा नोट 7, क्योंकि अभी नोट 7 प्रो जो है आगे है डेट। अगर नोट 7 की हम बात करें तो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, Mi.com पे मिलेगा और Mi स्टोर्स में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों फ़ोन में से कौन सा लिया जाए, तो दोनों फ़ोन में अगर आपका बजट है 10 to 15 तक, तो आपको जाना चाहिए 10 to 15 अगर 15 तक है, और अगर 10,000 तक ही है तो आपको जाना चाहिए 10,000 यानी कि 3GB रैम वाले के साथ ही नोट 7 के साथ। लेकिन अगर 10 to 15 है तो आपको लेना चाहिए 4GB वाला नोट 7 प्रो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 4GB 64GB वाला नोट 7 मत लो। अगर 10 to 15 है तो लेना है तो आपको 14,000 में लेना है नोट 7 प्रो, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर इससे ज़्यादा है तो खुश नसीब हो भाई, आपको सब कुछ मिलेगा, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना फ़ोन के साथ साथ, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ आगे बढ़ाओ इच्छा। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।